Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, this is the continuation of my home tour videos. जैसे कि आपके आपको याद होगा, मेरी आपसे बात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि एक मेन फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है और एक बेसमेंट है. तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि जिस फ्लोर पे हमजा भी होता है, हसन भी होता है, जो हमने बच्चों के लिए फ्लोर तैयार किया था. तो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं या स्टेयर से ऊपर आते हैं, तो बिकॉज आई एम प्रेगनेंट ऑफ कोर्स, तो मैं स्टेयर्स अवॉइड कर रही हूँ. तो ये आ गया पाउडर रूम. ये वो बाथरूम है जो यूटिलाइज करते हैं गेस्ट वगैरह, जो हमजा के लाउंज के बिल्कुल साथ. ये है हमजा का लाउंज, जहाँ पे हमजा साहब जो हैं चिल कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से हमजा को हम फ्रेम में दिखाई देते हैं, खैर है. तो ये हमजा साहब का बहुत ही कूल सा लाउंज है, जिसपे इन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इनको बहुत पसंद है. इनकी ये है और टीवी, इनका घर का सबसे बड़ा टीवी है. सो दिस इज़ हमजा लाउंज विच हमजा हैज़ डन अप हिमसेल्फ. इसलिए जो इतना बिजी सा रूम है, इसका ब्लेम मेरे पे नहीं डालना. ये हो गया भाई हमजा का बेडरूम. इट्स द सेम साइज एज माई बेडरूम. ये पीछे एक आप देख रहे होंगे कि देयर्स अ डेस्क ओवर हियर. ये गवर्नर हाउस का एक पुराना डेस्क है जो मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया गया था वहाँ पे. उसका वाइट बोर्ड है ताकि वो अपने नोट्स वगैरह लिख लिया करें. एंड देन ऑफ कोर्स देर आर द म्यूजिशंस एंड द एल्बम्स दैट ही इज़ फैन ऑफ. गिटार बजाने का भी शौक है, तो ये गिटार यहाँ पे लगाए हुए भी हैं, बट ये उतार के बजाए भी जाते हैं. ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगाए हैं. दीज आर एक्चुअली गिटार्स दैट ही प्लेज एंड एन्जॉयज प्लेइंग. तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसका रूम नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा, तो मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं. अब ऑब्वियसली जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो थोड़ी सी स्पेस बंदा दे देता है. देन ऑफ कोर्स परसिवियरेंस कमांड सक्सेस. ये एजिसन का एक्चुअली टैग लाइन है जो हमजा को बड़ी पसंद थी, तो ये हमने इनके लिए करवा दी. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी सब मेरे कमरों में है, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है हमजा का, उसकी कबर्ड्स हैं, एंड देन देयर इज द बाथरूम अलहदा से इनसाइड. मैं बाथरूम तो अवॉइड इसलिए करती हूँ कि बाथरूम में पर्सनल चीज़ें पड़ी होती हैं, एंड आई डोंट वांट माय पोअर किड टू गेट अपसेट. तो ये तो हो गया हमजाज एरिया, जिस पे फैसल बाय द वे बहुत झगड़ा करता है और हमेशा मुझे यही घूम के कहता है कि देखो इट्स ओके, ये लाउंज जो है ये सारे बच्चों के लिए है, हसन का भी होगा. बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई सबसे बड़ा है और ऑब्वियसली उसके लिए डू अप किया गया है, तो फिर वो अपने उसने हिसाब से किया है. अब इस कमरे में कहाँ हसन ने आके अपनी चीज़ों से खेलना है. हसन की बात करें तो आए हसन के कमरे में चलते हैं. आई हैव टू शो यू. मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे का कॉन्ट्रास्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, ये थोड़ी सी मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस थी और फर्नीचर भी मेरे पास था कुछ पुराना, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी सीटिंग एरिया बना ली. सर्दियों में मतलब जिस तरह भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आराम से यहाँ पे भी चिल किया जा सकता है. तो मतलब यहाँ पे आराम से बैठ के बुक पढ़नी हो या रिलैक्स करना हो. आ जाते हैं यहाँ पे. अब ये है हसन का कमरा. हसन इज़ वेरी वेरी इन टू कंस्ट्रक्शन, बॉब द बिल्डर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो दिस इज़ हसन रूम. एंड जो भी बॉब द बिल्डर का फ़ैन है उसको पता होगा कि बॉब द बिल्डर की बहुत सी चीज़ें होती थी कंस्ट्रक्शन, उसको सारी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम भी पता हैं. उसी के हिसाब से कुछ फैमिली पिक्चर्स लगाई जो पहले उसके कमरे में थी. ये मैंने बड़ी ही सिंपल फॉर्माइका टाइप शीट्स के साथ बना दिया हसन के लिए, सो दैट उसकी चीज़ें इसके अंदर रखी जा सकें. कॉट में प्ले पेन है, कभी कभी इसको यूज़ करता है. उसकी हाई चेयर खाने की, यहाँ पे जो उनका ख्याल रखती हैं मैरलिन, हम उन्हें आते बुलाते हैं. फिलीपींस में आते का मतलब होता है बहन. तो आते मैरलिन जो हैं वो, ये उनका बेड है, ये हसन का है, बट खैर वो घुस के उनके अंदर ही सोता है. रात को छोटा सा हमने सोफ़ा और चीज़ें रखी हैं. एंड देन दिस वॉल, दिस फीचर वॉल, आई लव दिस वॉल.
इस पे हमने बड़ी मेहनत की है, कट आउट स्टिकर्स ये वो, सो दिस इज बिन डन अप बड़ी मेहनत से, बड़े लार्ज से. अच्छा, आउटडोर स्पेसेस में आपको घर की अलहदा से दिखाऊंगी, बट इफ यू कैन लुक, ये मैंने ग्रीन रंग का एस्ट्रोटर्फ करा के हसन के लिए थोड़ी सी जगह डू अप की थी, और क्योंकि बच्चा है तो बैल्कनी के ऊपर वो मैंने शीशे का वो लगवा दिया था, रेलिंग टाइप चीज़, ताकि वो चढ़ ना सके और कुछ वो ना हो सके. हसन ऑल्सो, ऑल द रूम्स बाय द वे हैव ए ड्रेसिंग रूम, तो ये हसन का ड्रेसिंग रूम है, ज़रा छोटा है कंपैरेटिवली, तो हसन का भी ड्रेसिंग रूम है, और फिर ड्रेसिंग रूम के बाद आगे उसका बाथरूम आ जाता है. सो यू नो, कबर्ड स्पेस पे मैंने बड़ा फोकस किया है पूरे घर में, बिकॉज होता ये है कि जब आप कबर्ड्स वगैरह को नहीं देते घर के अंदर, तो वो फिर एज यू नो इश्यूज होते हैं. नाउ लेट्स गो आगे. नाउ अपस्टेयर्स भी मैंने एक छोटा किचन बनाया. ये किचन हमारा सच यूज़ नहीं होता, मतलब फ्रिज पड़ा हुआ है, फंक्शनल है, माइक्रोवेव है, चीज़ें हैं, मतलब इट्स अ फुली फंक्शनल फ्रिज किचन, लेकिन मतलब यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो बच्चे छोटे हैं, बट इवेंचुअली अगर ये पोर्शन सेपरेटली यूज़ करना पड़े, लाइक इसको एक सेपरेट अपार्टमेंट बनाना पड़े, तो अपार्टमेंट के तौर पे बड़े आराम से यूज़ हो सकता है. और 3 bedrooms हैं, किचन है, स्टोर है. अच्छा, स्टोर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, परेशान नहीं आप लोगों ने होना, ये मेरी आउटडोर स्पेसेस की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. सो दिस इज़ द स्टोर, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली ऊपर का जो गेस्ट रूम है. बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि फिर गेस्ट रूम्स कहाँ हैं. गेस्ट रूम बेसमेंट में प्रॉपर एक और अपार्टमेंट है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी. सो आ जाते हैं इनटू दिस गेस्ट रूम. इस कमरे की लाइटिंग बड़ी मेलो रखी है मैंने, लाइक एज यू कैन सी, मतलब आराम से कपल अगर कोई आए तो दे कैन कम एंड दे कैन से स्टे ओवर हियर. दिस इज़ द गेस्ट रूम, स्मॉलर रूम, बट यू नो आई थिंक के इससे ज़्यादा स्पेस क्या चाहिए. इसकी बैल्कनी ज़रा अच्छे लंबे साइज की, बड़े साइज की है. इधर भी ड्रेसिंग रूम है एंड देन बाथरूम है. सो हर और जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनके अंदर हमने सारी अलमारियाँ रखी हैं, क्योंकि बेडरूम में जब अलमारियाँ होती हैं तो वो मुँह पर चढ़ती हैं. सो देयर यू गो, दैट्स दिस स्पेस. एंड देन ऑफकोर्स ऊपर की एक ऐसी बैल्कनी है जिसको मैंने बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से डू अप किया है. एंड देन देयर इज दिस इज़ अ वेरी सेंटिमेंटल वॉल जिसपे पूरी फैमिली की पिक्चर्स और सारा कुछ लगा हुआ है. सो फॉर एवरी वन हु वाज़ आस्किंग के भाई अगली मंजिल भी दिखाएं, अगला फ्लोर भी दिखाएं, तो ये फर्स्ट फ्लोर है मेरे घर का, एंड दोनों साइडों पे सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम मेन फ्लोर की दिखाई थी. अब अगली वीडियो में आपको अपने आउटडोर स्पेसेस की दिखाऊंगी, एंड देन इवेंचुअली बेसमेंट की, क्योंकि बेसमेंट में जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो वो मैं दिखाऊंगी. लेकिन दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई हाउस.